नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में एक तरफ चुनावी माहौल है और दूसरी ओर दीपावली का त्योहार है। जिला प्रशासन चुनावी और दीपावली के त्योहार पर किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो इसके लिए बराबर कार्रवाई कर रहा है। जबलपुर की थाना 29 सब इंस्पेक्टर बी त्रिवेदी ने बताया कि पुलिस ने दीपावली पर किसी प्रकार की अनहोनी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए 2 पटाखा व्यवसायियों पर कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिन दुकानों पर कार्रवाई की गई है वे दुकानें ऐसी जगह पर थी जहां पर किसी भी समय कोई भी अग्नि दुर्घटना हो सकती है। पुलिस ने शारदा नामक महिला की दुकान से उक्त पटाखों को जब्त कर कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई रही। कोतवाली थाना क्षेत्र में भी दुकानों में कार्रवाई की गई। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। इसमें अभी क्राइम ब्रांच और उमती पुलिस और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, सीएसपी महोदय के निर्देशन में हुई है। उसमें एक शारदा मैडम करके हैं, उनकी दुकान है पटाखे की। कुछ क्षेत्र कोतवाली में आता है, कुछ अपने में आता है। दोनों दुकानों में से लगभग 15-15-20 कार्टूनों में माल था, उसको जब्ती की हुई है। अभी कार्रवाई जारी है इसमें। तो क्या वजह थी, तो कैसे? वजह ये है कि चूंकि आप प्रतिबंधित क्षेत्र में रखे हैं, उनका यह कहना है कि हमारे पास लाइसेंस है लेकिन इनको निर्धारित जगह में रखना चाहिए और वो ब्रह्मांडगत एरिया है, दुर्घटना की पूर्ण संभावना है। कार्रवाई की जा रही है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत। दो दुकानों में अभी एक दुकान अपने 29 क्षेत्र में आती है, कोतवाली क्षेत्र। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।